सो हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज स्पेशल वर्कशॉप सेशन जो आज हम लोगों ने कंडक्ट किया है HRS ऑटोमोबाइल्स के साथ पानीपत। और आज इस वर्कशॉप सेशन के लिए हमारे पास हमारे जितने राइडर्स हैं जो स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं, जिन्होंने लेह और स्पीति जाना है, उन सबको आज बुलाया गया है इस सेशन के लिए। और इस सेशन का पूरा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो लर्निंग्स के अंदर आएंगी वो सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस व्लॉग में, सो दैट आपके भी काम आ सकें। सो एक बार बाकी सब लोगों से भी मिलते हैं और देखते हैं क्या नौटंकी करें। भाई ये आगे वाला जो है, ये पीछे वाला, ये शोरूम वाला पार्ट है, तो गाड़ी हम ले चुके हैं तो शोरूम में हमें जाना नहीं है। बचा हमारा वर्कशॉप पार्ट, तो वर्कशॉप पार्ट के लिए हम आ गए। कहाँ जा रहा है? कहीं जाएगा? मैं घर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे भाई? लद्दाख निकलो। अब निकलोगे? आपके पीछे चलेंगे तो। स्पीति, ओनली स्पीति। भाई ये मैं घूमने तो। बुरका उठा रहा। कहाँ जा रहे? स्पीति, ओनली स्पीति। ये कहीं नहीं जा रहा भाई, जयपुर जा रहा है। पक्का नहीं? ये जयपुर जा रहा है, गौर से इसके परिवार वाले ध्यान से देखे, जयपुर जा रहा है, जयपुर 10 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। क्या जा रहे हैं भाई? जहाँ हमारे मंजीत भाई लेके जा रहे हैं, हम वही जुड़े जा रहे हैं। मेरे भरोसे तो घर ही हो। ए लद्दाख भाई, ये ले। कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख। निकलो बस, यहीं से निकलो। ये इतने बिल्ले किसके लाए? ये 5-5 रुपए मिल रहे थे आपसे लिए। मैं ही बेच रहा था। भाई लोग सारे के सारे पीछे खड़े हैं, किस लिए आए हो भाई? आपकी भाई नहीं। भाई इधर से अच्छा आ रहा है। हाँ यस, उधर से धूप आ रही थी ना। राहुल, प्रदीप, रोहित, डीजे, रचित, ये साइका हिंदी चीनी, बाय बाय। मजाक कर लेते हैं हम इसका थोड़ा थोड़ा इसके साथ। तो भाई वर्कशॉप सेशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। ये सभी लोग लेह लद्दाख वाली सीरीज में हमारे साथ जुड़ेंगे। पीछे खड़े हमारे सिंकवा जी आज हमारी सेवा में हाजिर हैं सब लोगों के साथ।
सो भाई अपना चीता हो गया है सर्विस के लिए तैयार, इतना ऊपर चढ़ गया है कि बस अब हमारी काबू से बाहर हो गया है, लद्दाख जाएगा बेचारा। पेचकस से इस कोने पे रख के दाब दो, इस पे अड़ा के प्लास को ना, इसके जो कट होता है ना, सिर्फ कट होता है, कट से इसको अड़ा के प्लास को नीचे, और इसको ऐसे दबाना होता है जिससे ये कट जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बाहर आने की वजह से ये चैन अब यहाँ से खुल जाएगी, ये बाहर। ठीक है, ये इसको ऐसे घुमाया और ये बाहर आ गया। ताकि चैन यहाँ पूरी पकड़ बन जाए लोग, ये आप दूसरे में भी डाल सकते हो, चैन को दोबारा रिपेयर कर सकते हो और चला सकते हो। क्लास आपके पास होना चाहिए और इस टाइप की लॉक की पट्टी आपके पास होनी चाहिए। हाँ हाँ, नया लॉक डाल सकते हो, का ध्यान रखना कि दो रबड़े होने चाहिए इसके पीछे, अपना काम दो रबड़े होते हैं पीछे, उसका भी ध्यान रखना है, वो दो रबड़े होनी चाहिए। दो रबड़े लगेंगे आगे, दो रबड़े उसके पीछे है। हाँ ठीक है, इसकी वजह से ये नॉइज नहीं हो रहा है। क्योंकि होंगे या तो चैन बहुत ज़्यादा टाइट होगी या चैन बहुत ज़्यादा लूज होगी। हाँ, खड़ खड़ बोल रही ज़्यादातर तो मेरा तो सिर्फ टक टक आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है। गलत बोला उसने, बिल्कुल बिल्कुल ऑयलिंग ऑयलिंग भी नहीं होगी, काफ़ी टेंशन हुई। कई बार चैन में आवाज़ आती है, सिंपली जो है चैन बहुत आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़। अगर इसको लूज करेंगे तो ठीक नहीं रहेगी, अगर इसको लूज करते हैं तो। अगर जो 30 वाला लूज किया आपने, 19 वाला लूज नहीं किया तो चैन टाइट नहीं होगा हमारी, अपने ठीक से नहीं दोनों बना खोल नहीं है दोनों पड़ेगा, और 24 वाला तो खोल नहीं खोलना है, कोई उधर नहीं करना है। 24 वाला कौन सा? 24 वाला अभी मैं टायर डालूंगा ना, और टायर डालने के टाइम पे जो अभी टायर का वो स्पिन लग गया ना, आगे करके देख रहे हैं इतना भगदड़ काम कैसे रखेंगे, अभी सामान लोड बहुत ज्यादा होगा, लाइट वेट में भी आते होंगे तो कैसे करेगा एमएच सर? ये अस्त्र लाइट वेट में आते क्या? नहीं नहीं, अगर लाइट वेट में आएंगे तो काम नहीं करेंगे। अभी डालने के लिए ना हमारे को ये कट देखने पड़ेंगे, ये चैन सेट के अंदर ये कट डालने पड़ेंगे, ये देखो ये कट है ना जो हल्का सा ऊपर उठाओ, हाँ इसके बीच में टायर करना पड़ेगा हमारे, करना है ना इसका जो होल है इसके, ताकि ये रोड इसके अंदर डल जाए, है ना? अरे नहीं, यहाँ पे कट लगेगा, उसके बीच में करना पड़ेगा। इधर आओ देखो, इधर से जो ये कट है ना हमारे, अच्छा ये कट किसके अंदर नहीं, ये कपलिंग रबड़ होती है जो टायर में, हाँ ये देखो पट के अंदर जाते हैं, बिल्कुल।